दुर्ग जिले में कोविड के बढ़ते संक्रमण के बीच पॉजिटिव लोग होम आइसोलेशन में भी ठीक हो रहे हैं। बहुत से लोग और कई परिवारों ने होम आइसोलेशन के नियमों का पालन करते हुए कोरोना को मात दी है। होम आइसोलेशन से ठीक होने वाले कुछ लोगों से दूरदर्शन समाचार ने बात की। सभी ने कोविड नियमों के पालन के साथ ही प्रशासन के सहयोग को भी महत्वपूर्ण बताया। कोरोना हो गया तो क्यों हुआ, क्या हुआ, तो माइंड को डल नहीं किया मैंने और हमेशा इसके बारे में पॉजिटिव सोचा और अपने परिवार से मैं 7 दिन दूर रहा और इसी कारण से मेरे किस फैमिली मेंबर के किसी भी सदस्य को कोरोना नहीं हुआ। मेरे इस बर्ताव मेरे डॉक्टर की सलाह के अनुसार मैंने दवाइयाँ ली, चाहे वो बुखार की दवाई हो, चाहे विटामिन हो, चाहे एंटीबायोटिक हो। मुझे थ्रोट इन्फेक्शन थोड़ा ज़्यादा था तो डॉक्टर ने मुझे एंटीबायोटिक लेने की सलाह दी थी। टाइम टू टाइम हेल्थ डिपार्टमेंट से, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से मुझे कोरोना के संबंध में रोज पूछताछ होती थी और मुझे मेरा हालचाल पूछा जाता था और फिटनेस के लिए मुझे बताया जाता था। हर कोई सेल्फ आइसोलेशन में गए और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन किए और नेक्स्ट डे से आइसोलेशन सेंटर से रेगुलर इंटरवल पर फ़ोन आते रहा। कुछ डॉक्टर्स भी उसमें कॉल पर आते थे। SpO2, बॉडी टेम्परेचर और पल्स काउंट, इसकी वो मॉनिटरिंग कई दिनों तक की। 10 डेज तक आइसोलेशन में रहे। मैं पब्लिक से यही कहना चाहूँगा कि ऑलरेडी कम्युनिटी ट्रांसमिशन है, मेरे समझ से ऑलरेडी प्रेजेंट वेरियंट का कम्युनिटी ट्रांसमिशन है, तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन के केस में जो प्रिकॉशन लेने की नीड होती है थोड़ा ज़्यादा होता है। कब हमको कहाँ पब्लिक में चलते हुए लग जा रहा है इन्फेक्शन हमें पता नहीं चल रहा है और मैं इसी का शिकार हुआ। उस वक्त हमारे कॉलेज में काफ़ी भीड़ था और मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो कम्युनिटी ट्रांसमिशन का परिणाम था, बट अब थोड़ा कॉलेज में भीड़ कम है आज, लेकिन मार्केट लोग कम से कम निकले क्योंकि कम्युनिटी ट्रांसमिशन में आपको कब कहाँ लगेगा थोड़ा बताना मुश्किल है। और इन सभी का कहना है कि टीकाकरण के कारण ही वे संक्रमण के गंभीर लक्षणों से बच सकें।